हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंकीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं रेसिपी जो दिखाने जा रही हूँ वो पूरी, खीर और चने की रेसिपी है। चलो देखते हैं कैसे बनती है वो। तो सबसे पहले करते हैं दूध उबालने की प्रक्रिया। पहले हम 500 ml दूध उबालेंगे। दूध का अच्छी तरह से उबाल आ जाना चाहिए। पूरी तरह से उबाल आ जाए तब तक उसको हिलाते रहना है ताकि वो नीचे चिपक ना जाए। कम से कम 10 से 15 मिनट तक उसको उबालना पड़ता है और जब तक गाढ़ा दूध ना बन जाए तब तक उसको उबालें। और उसके अंदर फिर हम धुला हुआ चावल डालेंगे, जो मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रखा था वो हम डालेंगे। ओके, जब तक हमारी खीर उबल रही है तब तक हम हमारी दूसरी जो वानगी है चना बनाने की विधि मैं आपको समझा देती। ये 2 कप काले चने हैं, मैंने पूरी रात को उसको भिगो के रखा था और 8 घंटे तक उसको भिगो के रखा। उसके बाद में वो भिगो कर उसको मैंने बॉईल कर लिया है 3 सीटी आने तक। और उसके बाद में बॉईल किए हुए चने मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बॉईल किए हुए चने 2 कप मैंने भिगो के रखा था, वो अब बन गए 4 कप जितने। अब उसका हम तड़का लगाएंगे। कैसे लगाती हूँ वो आप देखिए। अब थोड़ा सा तेल रख के उसके अंदर हम थोड़ी सी सरसों के दाने डालेंगे और उसके बाद में सारे मसाले एक एक करके अंदर डालते रहेंगे। और जब तक सरसों के दानों अच्छी तरह से फूट ना जाए तब तक उसको तड़काने लगे तब तक उसको रखें। एक बाउल में हम सारे मसाले इकट्ठे करेंगे, जैसे कि 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधी चम्मच सॉल्ट। वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके उसके अंदर 2 चम्मच पानी डाल के हम उसका पेस्ट बनाएंगे। ये पेस्ट मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, जो आप देख रहे हो वो मैं अंदर डालूंगी और अच्छी तरह से हिलाएंगे जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। और उसके बाद में डालेंगे अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। जब तक उसका तेल अलग से दिखने ना लगे तब तक हिलाते रहिए। अब आप लोग देख रहे हैं कि अंदर साइड से तेल निकलने लगा है। और अब उसके अंदर हम डालेंगे जो चने बॉईल किए हुए वो हम धीरे धीरे डालेंगे। चने के ऊपर सारा कोटिंग हो जाना चाहिए मसालों का, कि जैसे लगे कि चने अच्छी तरह से फुल उसके मसाले में मिल गए हैं। बस 5 मिनट तक उसको हिलाए और उसको ढक्कन ढक के 2-3 मिनट तक उसको रखो। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पानी पूरा जल चुका है और अब सारे मसाले एक के ऊपर एक आ गए हैं, कोट हो गया है मसालों का। तो फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल के उसको पूरा करेंगे। अब दूसरी तरफ देखते हैं हमारी खीर कहाँ तक आई है। खीर को हम चेक करेंगे। खीर हमारी होने को आई है और काफी गाढ़ी हो गई है। उसके बाद में जो थोड़े से दूध में बादाम और चावल भिगो के रखे थे उसको हम मिक्सी में क्रश करके वो खीर के अंदर डालेंगे तो और ज्यादा खीर गाढ़ी बन जाएगी। अब लास्ट में हम खीर में शुगर डालेंगे 4 चम्मच और अच्छी तरह से उसको हिलाएंगे। अब ध्यान रखना है कि नीचे चिपक ना जाए हमारी खीर, तो अच्छी तरह से हिलाते रहना है जब तक पूरी अपनी शुगर अच्छी तरह से घुल ना जाए।
अब आप देख सकते हो कि खीर कितनी गाढ़ी हो गई है और ऐसे दिख रही है कि हमारी खीर अब रेडी है, तो हम उसको साइड पर रख देंगे। अब हम पूरियां बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा है। उसके अंदर थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच ऑयल डाल के उसको आटे को गूंदेंगे। अब धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और आटा अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। अब हमारा आटा गूंथ कर रेडी हो गया है। हम उसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे और उसके बाद में हम पूरियां बनाने की शुरुआत करेंगे। और तेल आया है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम थोड़ा सा आटा उसमें डालेंगे और तुरंत ऊपर आ जाता है, मतलब कि वो तेल आ चुका है। हमने एक पूरी बेल के ऑलरेडी रखी हुई है, अब दूसरी मैं आपको बेल के दिखा रही हूँ कैसे बेलनी है, और उसके बाद में हम उसको तलेंगे। ये देखिए जैसे जैसे हमारी पूरी ऊपर आ रही है, ऐसे वैसे हम दूसरी पूरी को भी तल देंगे। आज की हमारी रेसिपी खीर चना और पूरी तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।